आंखों से चश्मा उतार देगा टमाटर, जान लें इसे खाने का तरीका। आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में आप सबसे ज्यादा सब्जियों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में तरह तरह की सब्जियां मिलने लगती है। वहीं अगर बात हो रही है सब्जियों की, तो आजकल टमाटर बेहद ही अच्छे मिलने लगते हैं और आज हम आपको विशेष रूप से टमाटर के बारे में ही बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टमाटर को हर तरह से खाया जाता है, यानी कि कुछ लोग इसे सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं तो कुछ सब्जी के साथ पकाकर, लेकिन ये दोनों तरह से खाया जा सकता है। वहीं हर घर में इसका अपना ही महत्व है। जी हाँ, क्योंकि कोई भी सब्जी बनाते समय टमाटर का प्रयोग जरूर किया जाता है। सेहत की अगर बात करें तो टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपीन, विटामिन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर जितना देखने में अच्छा लगता है, उतना ही वे खाने में स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी। तभी को टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में करने के साथ साथ सलाद और चटनी तथा सूप के रूप में बहुतायत में किया जाता है। टमाटर का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बिना टमाटर के खाना बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे गर्म करने के बाद भी इसके विटामिन समाप्त नहीं होते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि टमाटर के सेवन करने से 3 बीमारियों से हर किसी को छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी है वो बीमारियाँ। 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि टमाटर आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है और यही कारण है कि ये इंसान की दृष्टि में सुधार कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि टमाटर में विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए काफी लाभदायक होता है और हर किसी को ये रतौंधी होने से बचाता है। टमाटर मोतियाबिंद के विकास के खतरे को भी कम कर सकता है। अगर 6 दिन आप खाली पेट सुबह टमाटर खाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा। 2, दूसरी बीमारी है गठिया। जी हाँ, अगर आपको गठिया है तो आप बेझिझक टमाटर का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको इससे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप हर रोज 1 गिलास टमाटर के रूप में सौंठ को डालकर अजवाइन के साथ सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपका गठिया रोग जल्द से जल्द सही हो जाएगा। 3, अब बारी आती है 3वीं और सबसे आखिरी बीमारी की, जो कि दांतों व हड्डियों से संबंधित है। जी हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे कि टमाटर में कैल्शियम की मात्रा भी अन्य सब्जियों से ज्यादा होती है। दांतों और हड्डियों के लिए टमाटर बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन के और मैग्नीशियम हड्डी को मजबूत बनाते हैं, हड्डी की मरम्मत करते हैं। इसके अलावा ये नई हड्डी बनने के तत्व निरंतर बनाते रहते हैं। इस काम में लाइकोपीन भी बहुत मदद करता है।